अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे, हमेशा मज़े में ही रहें। आज हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के बचपन में जब मैं बनाती थी तो सब बहुत तारीफ़ करते थे और आज यकीनन आपको भी पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। आज हम बनाने वाले हैं भगारी मिर्चे। Subscribe to our channel and click the bell icon to get the latest updates from our videos. मिर्च का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिर्चे ले लिए, मैंने आधा किलो लिए हैं, ठीक है। और मिर्च लेते वक्त बस ये देखेंगे कि बहुत छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं ना वो नहीं हो, इस साइज़ की हो, ठीक है। और एक सर्दियों में जो है ना बहुत बड़ी वाली भी आती हैं तो वो भी ले सकते हैं और ये भी ठीक रहेंगी, ठीक है। तो इनमें थोड़ी तेज़ी कम होती है। यहाँ मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लिया है। नमक हसब ज़ायका ले लें, ठीक है। कम खाते हैं तो इससे भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हल्दी ले लिए मैंने और 2 टीस्पून जो है ये पिसा हुआ धनिया ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने भगार के लिए हमने यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी आपको, इस तरह से देखें मैंने 8-9 तकरीबन जितनी भी कोई इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, जितनी भी आप लोग पसंद करें, या 8-9 ले लें भगार के लिए। साबुत मिर्च ले लिए और ज़ीरा ले लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1.5। और यहाँ पे 2 टीस्पून, ठीक है, 2 टीस्पून जो ये राई है, ठीक है, इसको साफ भी करना पड़ेगा हमें, थोड़ा देख लीजिएगा पत्थर वत्थर ना, ठीक है। और ये मैंने लिया है भगार के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कड़ी पत्ता लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश हमने मंगवाया था, ठीक है। इसको यूज़ करना है हमें और ये आप बस एक देखें, बड़ी वाली जो है क्या कहना चाहिए कि एक मुट्ठी में जितने आ जाएं पत्ते, ठीक है, कड़ी पत्ते के। यहाँ मैंने इमली ले ली थी तकरीबन 4 टेबल स्पून इमली लेके भिगो दी थी, तो ये उसका पानी है, ठीक है। इस तरह से पानी थोड़ा ये देखें नज़र भी आ रहा है, ये तो ये इमली का पानी निकाल के ना छान वान के ये बीज निकाल दिए थे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें जो मसाला भूनना है बग़ैर ऑयल के ना तवे पे हम इसको भूनेंगे। ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून और यहाँ ये खशखश ले लिए मैंने, खशखश ज़्यादा नहीं ली, 1.5 टीस्पून ले लें, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा, तो इसको भी हम भूनेंगे। ये मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ठीक है, 3 टेबल स्पून लिया। यहाँ पे आ गया हमारे तिल है, ये आप 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, ठीक है, 2.5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने मिर्चें ले ली हैं, तो क्योंकि हम मिर्च का ही सालन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं ली, बस मैंने 4-5 इस तरह से बस ले ली। इसको हम भून के इसको भी फिर पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक प्याज ले ली है, बहुत बड़ी नहीं, बस दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, कट कर दिया है। 2 टेबल स्पून जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ठीक है। और ये भाई देखिए, अभी बच्चों ने ये हमारे मुझे दी है ये छील के, क्योंकि मिर्च का सालन जब बनता है तो ये सर्दियों के मौसम में, और आपको पता है तो मूंगफली बहुत अच्छी सी आ रही होती है पीनट, ठीक है। तो ये भी समझ लें कि आधा एक कप से कम, और अगर इस तरह से हम करके देखेंगे तो तकरीबन 5 टेबल स्पून, ठीक है, जिसमें आ जाए, अंदाजे से ले लें, कोई मसला नहीं। और अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साबुत धनिया मैंने लिया है, साबुत धनिया हम लेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है।
अगर 2.5 टेबल स्पून हो जाए तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। चले अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये भून लेंगे मिर्च भून लेंगे, ठीक है। इसमें हल्का हल्का सा, जब वो हल्की पूरी फुल काली नहीं करनी है इसको, ठीक है। हाफ जब ये हो जाए, भुनने लगे, खुशबू आने लगे तो उतार लेंगे, ठीक है। बस देखिए ये हो गई है, मैं इसको उतार लेती हूँ। और अब इसके बाद जो है हम चले धनिया, साबित धनिया जो है वो भून लेते हैं। चले देखिए हो गया, ये भुनने लगा है, बस ज़्यादा नहीं भुनना है, हाफ भुनना है, खुशबू आने लगी, बस अब इसको मैं उतार लेती हूँ। चले ज़ीरा जो है ये भून लेती हूँ, इससे भी खुशबू आने लगे, बस इसको भी उतार लेंगे, जलाना नहीं है इसे। तो देखिए इसमें खुशबू आने लगी और इसको भी हम उतार लें। चलिए अब हमने ये खोपरा डाल दिया है, खोपरा ज़रा बड़ा नाजुक हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी से ये हो जाता है। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस आप खुशबू आने लगे हल्का सा ब्राउनिश हो जाए ये, तो बस फिर इसको हम उतार दिखा दें। बस अब ये देखिए हो गया ये, अब इसको भी उतार रहे हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। तेल डाल दिए हमने, इसको भी हल्का फ्राई कर भून लेंगे। चलिए खसखस ले लिए, खसखस भी साफ कर लेते हैं, कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ये ब्लैक ब्लैक वो नज़र आ रहा होता है, तो थोड़ा सा सफाई कर लें। और इन तमाम चीज़ों में हमने कोई इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया है, खतरा भी, ठीक है। ऐसे ही हमने तवे पे ये भूना है। चलिए खसखस भी हो गई, इसको भी अब निकाल देते हैं। चलें अब ये प्याज जो मैंने कट की थी तो बहुत बारीक नहीं की थी, इसको भी ज़ाहिर हम पीस के ही डालेंगे, तो ये भी हम इसको फ्राई कर रहे हैं, सॉरी फ्राई नहीं भून ले। चलिए जो हमने पीनट लिए हैं, मूंगफली जो ली है, तो ये ज़ाहिर शॉप से भी मिल जाती है, लेकिन उसमें ना मज़ा नहीं आएगा, तो अभी फ्रेश फ्रेश बस मंगवाएँ और इसको छीले और फिर बनाएं। ये भुनी हुई हमारी मूँगफली है, इसको इसको नहीं भुनेंगे हम, क्योंकि भुनी हुई ये हमारी भगारी मिर्च, मैंने इसका नाम रखा है भगारी बैंगन, में तो बैंगन होते हैं, इससे बैंगन तो है नहीं, तो भगारी मिर्च हो गई। तो चलिए ये प्याज भी हमारी हो गई है, और जनाब इसको भी हम निकाल देते हैं, और शानदार सी हमारी रेसिपी तैयार होती है। ग्राइंडर में डाल के अपने तिल वगैरह, खसखस, मिर्चे, ज़ीरा जो भी हमने भूना था, और मूँगफलियाँ, इसको हम सब इसको खुश्क वाला जो हमारा ग्राइंडर होता है, ठीक है, उसमें हम पीस लेंगे इसको, ठीक। चले इन सब चीज़ों का यहाँ पे डाल के पाउडर बना लेंगे। चलिए हमने पाउडर फॉर्म में इसे बना लिया है, जो पीसा था, ठीक है, तिल वगैरह, खसखस, और ये प्याज जो है हमने जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्याज को भी पीस लिया है, ठीक है। चलिए मैंने तेल ले लिया है यहाँ पे, ऑयल, कुकिंग ऑयल 1 कप, ठीक है। इसमें मैंने ये बघार के लिए मिर्चें डाल दी हैं। चलिए भाई हमने ये 1 कप ऑयल में, कोई ऑयल भी ना इसकी कोई वो नहीं है कि आप इतना ही डालें हैं क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, और ये देखें ये लाल मिर्च हमारी होने लगी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो है हम सालन में डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज तो हल्की कर दें, ठीक है, कड़ी पत्ता डाल दें। चलिए ये फिर ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये भी इसी के साथ हो जाएगा, और राई भी डाल देंगे ये, ठीक है। चलिए हमारा पकार तैयार है। बस हल्का सा ये ज़ीरा जो है वो हो जाए, और ठीक है हो गया ये,
तो अब हम क्या करेंगे, लहसुन डालेंगे। ये देखिए लहसुन डालें, हल्दी नमक वगैरह डाल देंगे, हल्दी नमक धनिया किसी में भी आप डाल सकते हैं चाय को। प्याज़ डाल देंगे, इसको भी भुनी भी तो है लेकिन फिर भी हल्का सा भुनना है इसको। चलिए खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त कर रही है, वो साफ तो आ रही है खुशबू। बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त। ये जो कड़ी पत्ता हमने बचाया था ये भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी आज अब खोल लेंगे अभी, ठीक है, ताकि अच्छा सा भुन जाए। चल अब ये जो हमने पाउडर बनाया था वो सब भी हम डाल देंगे। इसमें क्योंकि आधा किलो मिर्च है तो आप 1.5 कप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो जितना आप देख लें मुनासिब। चलें ये हमारा ये हल्का हल्का भूनने लगा है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस कम ही भूनना है इसको, ठीक है। और अब ये कि राई वगैरह जो हमने डाली है ना तो मिर्चों की जो तेज़ी होती है उससे कम हो जाती है। और 2 कप ऑयल तो आप डालिएगा ही। चलें भाई अब हाँ मिर्च डाल देते हैं इस पॉइंट पे, कितनी प्यारी हसीन लग रही है जब खाएंगे ना तो और भी हसीन लगेगी। कोई भी दावत हो ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों का मौसम है बना के रख लें। चलें चलिए मिर्चें डाल ली मैंने, साथ साथ ही जो हमारा इमली का पानी था तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए अब इसको हम ढक के रख देंगे और मीडियम आंच पे यानी स्लो ही रखेंगे, ठीक है, आंच बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और इसको फिर हल्की आँच पर आप तकरीबन जैसे मिर्ची बस गलानी है हमें तो ये वहाँ तैयार हो जाएगा, बनके 6-7 मिनट लग देते हैं। चलिए अच्छा ये बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और हमारा ये चैनल आपको पसंद आए, रेसिपी हमारी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।